अब भगवान श्याम सुंदर, भगवान कन्हैया का जो पत्र था पंडित जी को दिया रुक्मिणी ने, और कहने लगी पंडित जी द्वारिका चले जाओ, पंडित जी द्वारिका को चले जाओ। पंडित जी ने सोचा यहां से द्वारिका इतनी दूर है, यहां से द्वारिका इतनी दूर है। आंखों में आंसू भर करके रुक्मिणी बोली, बाबा अरे द्विजराज तुम्हारी बेटी हूं, मेरा साथी तू बचा ली रे, क्या बोली है रुक्मिणी, महाराज भगवान ने ये तन रूपी मुझे बर प्रदान किया है, तो कृष्ण रूपी बर आप प्रदान कर दो। मेरी प्यारी बहनों माताओं बेटियों जरा ध्यान करना, पंडित जी वो पत्र लेकर के चले हैं, और इधर सुसपाल ने आकर के अपनी विशाल सेना के साथ में पूरे कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया है। ना कोई बाहर से अंदर जाता है और ना अंदर से कोई बाहर जाता है। पंडित जी बेचारे बड़े बुजुर्ग हैं, पंडित जी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पैरों में फफोले पड़ गए, चाले पड़ गए, उनसे चला नहीं जाता है। तो एक पेड़ के नीचे बैठकर पंडित जी रोने लगे, अरे मोहि भीष्मक की बिटिया ने भेजो है सुनो सामन्या, किस्मत की बिटिया ने भेजो है सुनो सामनिया, सोए भगवान अपने दूतों को भेजकर द्वारिका के नीचे नजदीक जो पेड़ था उस पे नीचे लिटवा दिया। पंडित जी की आंखें खुली, पंडित जी द्वारिका में पहुंचे, भगवान श्याम सुंदर ने बहुत सम्मान किया, और पंडित जी ने वो जो पत्र था रुक्मिणी वालों लव लेटर निकाली। अब भगवान कन्हैया ने आधो ही पत्र पढ़ी पाओ, सो भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू निकल आए, और जब भगवान कन्हैया की आंख से आंसू निकल आए तो भगवान ने पत्र लो यहां धोती के फेंट में लगाए और बोले एक काम करना पंडित जी, जब आप यहां से चलना तो खसियो और बैठ जाइयो सीना पकड़ के, हम बलराम भैया से कहेंगे देखो पंडित जी बीमार लग रहे हैं, चलो इन्हें रथ पर बैठा के थोड़ी दूर छोड़ी, तब तो हम तुम्हारे संग चल सकते। पंडित जी ने वही किया, और जब बैठ करके खांसने लगे तो भगवान पहुंचे, देखो पंडित जी की पीठ सहलाने लगे, नौकर से बोले पानी ला नहीं तो पंडित जी मर जाएंगे। एक पानी लेकर के आया, बलराम जी आए, बलराम जी बोले क्या बात, भगवान बोले पंडित जी हमें लगत पनीर ज्यादा खा ली। बलराम ने कहा एक काम करो पंडित जी को रथ पर बैठा लो, और रथ पर बैठा के इनके गांव के किनारे छोड़ दो।
और भैया पंडित जी को भगवान के नहीं आ रहे रथ पे बैठारो, और जैसे बल्ली पकड़ के भगवान चढ़न लगे ऐसे हाथ भो, जब शरीर टाइट हुआ तो धोती की भेंट जो हती सो टाइट भई सो लेटर नीचे गिर, वो पत्र नीचे गिरियो। और जैसे पत्र नीचे गिरा भगवान के नहीं आने, पंडित जी को बिठा ला और कुंदनपुर की तरफ चल दिया। जब कुंदनपुर की तरफ चल दिए, बलराम जी ने जैसे वो चिट्ठी देखी, बलराम भैया हंसने लगे, बोले ओ कन्हैया तो अकेला जा रहा है विवाह करने के लिए, हमको भी लिए चल, तेरी पत्नी के ऊपर चुनरिया गोंडली है पगला। अब भगवान पंडित जी को लेके कुंदनपुर के बाहर जहां वो माता जी का मंदिर था, बगियन में जहां आया करते थे रुक्मिणी पूजा करने, भगवान वहीं देवड़ी पर अपने रथ को रोक दिया और पंडित जी से बोले जाओ रुक्मिणी से कह देना कृष्ण आ गए। इधर रुकुम बरात सुसपाल बरात लेकर के आ गया है, चारों तरफ से नगर घेरा जा चुका है, रुक्मिणी रो रही है और तले पंडित जी पहुंच गए। रुक्मिणी बोले पंडित जी आई हो? हाँ बेटी, हमारे कन्हैया आए। पंडित जी की कहने, पंडित जी कह लगे हाय बिटिया भाई करेवा पर मर गयू, भदैया उद जैसो बैठो। रुक्मिणी बोली बाबा इसके बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, इसके बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, रुक्मिणी ने कहा महाराज सच्चे प्रेम में सकल सूरत से कोई मतलब नहीं, केवल हृदय का प्रेम है। राधा ने भगवान कृष्ण से कहा था, अपनी सखियों से कहा था, मैं ऐसा बांक चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे और आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। प्रेम क्या है? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम। जाओ आपके स्वामी बगिया में है और देखो भैया रुक्मिणी दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई, माँ माँ मैं गौरी माँ का पूजन करने जाऊंगी। तब तलक उसका बड़ा भैया रुकम आ गया, ए रुक्मिणी तो पूजा उजा करने कहीं नहीं जाएगी, यही पूजा कर ले। रुक्मिणी ने रुक्म के दोनों भैया डाल के बोली मेरे प्यारे भैया, अरे कल तो मैं तुम्हारी सलहेट बन जाऊंगी, आज तो पूजा कराने दो। अब रुक्मिणी अपने भैया से आज्ञा लेकर दो चार सखियों को साथ में लेके, दो चार सहेलियों को साथ में लेके रुक्मिणी बगिया में पहुंची हुई। रुक्मिणी मैया कहां